क्या कमिटमेंट? एक आदमी जो भारतीय जनता पार्टी का एमपी है और वैचारिक रूप से वो कांग्रेस में आता है, और जिसका दूसरा चुनाव लड़ने का मौका होगा, वो उससे आप ये छोटी राजनीति की बात है कि हमारे को लिख के दिया नहीं दिया, या पार्टी ने उनको अश्योर किया नहीं किया। तो कांग्रेस अच्छा प्लेटफॉर्म है, और अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाने का मतलब ये नहीं कि आप मुझे टिकट दो ना दो। उसका अभिप्राय ये था कि वो कांग्रेस में आए, और वो गए और वहां उनके मन में जो बात थी वो भी उन्होंने दर्शाई, और ये भी बात है कि वो उन्होंने कहा कि मैं हिसार से एमपी हूं और हिसार से ही मुझे प्रत्याशी बनाया जाएगा। अब पार्टी ने एक फैसला कर लिया तो अच्छी बात है, पार्टी ने कोई पैमाना रखा होगा कोई उसका, उसके हिसाब से। नहीं, आप स्पष्ट ये कहो कि आप कांग्रेस में रहोगे या नहीं रहोगे। हाँ, फिर ऐसे बोलो ना, ये कोई कांग्रेस में रह के कांग्रेस को मजबूती देने का भी मुझे काम आता है, और जो मजबूती देने में सक्षम नहीं उनको भी मैं ये समझता हूँ कि उनको भी हम ठीक दिशा में लाके ये कहेंगे कि मजबूती अपनी ना दो, कांग्रेस के लिए मजबूती दो। देखिए, ये तो सही है कि इस देश में बृजेंद्र सिंह जो हिसार से सांसद थे बीजेपी के, वो बीजेपी के सांसद रहते हुए कांग्रेस में गए। दूसरा कोई ऐसा सांसद आपको नहीं नजर आएगा। हाँ, टिकट कटने के बाद या पार्टी से इस्तीफा देने के बाद कोई गया, वो तो अलग बात है। तो ये जरूर है कि बृजेंद्र सिंह वैचारिक रूप से वो कांग्रेस को पसंद करते हैं, और इसीलिए उन्होंने मुझसे भी ये कहा कि हम सब कांग्रेस में हमारे को जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस में हम अपनी बात कह सकते हैं, और कांग्रेस को आप, उन्होंने मुझसे भी कहा कि आपका लंबा तजुर्बा है और हरियाणा में कांग्रेस को मजबूती भी आएगी, और ये जरूरी है। और दूसरा कोई ये कहे कि बृजेंद्र सिंह इसलिए गए थे कि मैं तो आ तो गया, वैचारिक रूप से मुझे टिकट दो ना दो, ये नहीं होता। कई तो कहते हैं जी कमिटमेंट, क्या कमिटमेंट? एक आदमी जो भारतीय जनता पार्टी का एमपी है और वैचारिक रूप से वो कांग्रेस में आता है, और जिसका दूसरा चुनाव लड़ने का मौका होगा, वो उससे आप ये छोटी राजनीति की बात है कि हमारे को लिख के दिया नहीं दिया, या पार्टी ने उनको अश्योर किया नहीं किया, कमिटमेंट की जिसको, मैं ये छोटी राजनीतिक सोच की बात है। एक आदमी जिसका अपना एक राजनीति में स्तर है, और स्तर भी उसका अपना नहीं, एक पारिवारिक जो उसका सोच है, उसको वो ये मानता है कि किसान की अगर लड़ाई लड़नी है, वो ये मानता है कि हमारे को जो स्वतंत्र विचारों की लड़ाई लड़नी है, हमारे को प्रजातंत्र के लिए कुछ ऐसे आमूल चूल जो चीजें हैं उनको बना के रखना है, तो कांग्रेस अच्छा प्लेटफॉर्म है। और अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाने का मतलब ये नहीं कि आप मुझे टिकट दो ना दो। उसका अभिप्राय ये था कि वो कांग्रेस में आए, और वो गए और वहां उनके मन में जो बात थी वो भी उन्होंने दर्शाई, और ये भी बात है कि वो उन्होंने कहा कि मैं हिसार से एमपी हूं और हिसार से ही मुझे प्रत्याशी बनाया जाए। मिला नहीं तो मलाल, टिकट तो नहीं मिली। देखिए, मिला नहीं का मलाल तो नहीं होता, लेकिन ये जरूर होता है कि क्यों नहीं मिला। अब क्यों नहीं मिला का तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि नहीं मिला तो बस पता नहीं क्या। मेरा तो राजनीतिक जीवन में ये जो स्ट्रेट कितनी बार जो नक्शा है ऊपर नीचे हुआ है, मुझे तो इन बातों से कोई ज्यादा लंबा चौड़ा वो नहीं लगता। लेकिन बृजेंद्र सिंह एक नई सोच के साथ हैं, और उनको ये चांस मिलता तो और अच्छा, परिपक्व राजनीतिक के रूप में वो पार्लियामेंट में कांग्रेस के
लिए, और देश की जो आमूल चूल समस्याएं हैं या आमूल चूल जो हमारे संविधान की बात है, हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात है, इन बातों को बहुत बल मिलता। अब पार्टी ने एक फैसला कर लिया तो अच्छी बात है, पार्टी ने कोई पैमाना रखा होगा कोई उसका, उसके हिसाब से सेटिस्फाई है या उसके खिलाफ या कोई ऐसा है कि जैसा है कि उस पे आगे बढ़ेंगे कैसे? नहीं, आगे बढ़ेंगे किस लिए? तो कांग्रेस में ही आगे पारी रहेगी, और मौके हैं? नहीं, आप स्पष्ट ये कहो कि आप कांग्रेस में रहोगे या नहीं रहोगे। चलो सर, आप फिर ऐसे बोलो ना, ये कोई मैं कांग्रेस में आया हूँ कांग्रेस में रहने के लिए, और मुझे कांग्रेस में रह के कांग्रेस को मजबूती देने का भी मुझे काम आता है, और जो मजबूती देने में सक्षम नहीं उनको भी मैं ये समझता हूँ कि उनको भी हम ठीक दिशा में लाके ये कहेंगे कि मजबूती अपनी ना दो, कांग्रेस के लिए मजबूती दो। चलिए, कहा जा रहा है 1999 में आपका और जेपी दो लोगों का नाम था टिकट को। आ जाओ इधर आओ। 1999 में आपका और जयप्रकाश का नाम था दावेदारी में, आपको टिकट मिली थी, जेपी की टिकट कट गई थी, हालांकि उनका कहना उन्होंने आपका साथ दे दिया था। आप समझ गया, आप मेरी बात सुन लो, आपने ऐसी बात कर दी। मैं उस समय उत्तर प्रदेश का प्रभारी था और मैंने कांग्रेस अध्यक्ष को ये कहा था कि क्योंकि मैं प्रभारी हूं और मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता, तो मैंने ये जरूर है कि जयप्रकाश के लिए कहा कि आप इनको लड़ाओ। मेरी पसंद थी वो उस वक्त, क्योंकि बहुत कुछ मेरे, क्योंकि वो कांग्रेस में भी मेरे थ्रू आए थे। आज वो कुछ ही बोल सकते हैं, आज ये भी कह सकते हैं कि मैं तो हुड्डा के थ्रू आया था, तब मैं था कांग्रेस में किसी को लाने के लिए। तो मैंने कांग्रेस अध्यक्ष को स्पष्ट तौर पर कहा था, और जब उन्होंने बात नहीं मानी तो खुद जयप्रकाश ने ये कहा था कि मेरे को तो नहीं मिलता, आप लड़ लो चुनाव, हालांकि मेरा चुनाव लड़ने का इरादा नहीं था। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि किसी की टिकट में मदद करना नॉमिनेशन के लिए, किसी को राजनीतिक तौर पे पार्टी में शामिल करना, ये प्रक्रिया चलती रहती है। और जब मुझे मेरा समय था तो मैंने बहुत से साथियों को, धर्मवीर जी को भी मैंने कांग्रेस में शामिल किया था, सुरेंद्र मदान होते थे उनको मैंने किया था। मैं आपको 50 लोग ऐसे बता सकता हूँ हरियाणा में जो मेरे कारण या मेरे प्रयास से कांग्रेस में शामिल हुए, और कुछ तो बहुत बड़े भी बन गए। ये है कि कोई गलत फहमी में हो कि वो शुरू से कांग्रेस ही थे, नहीं, उनको भी मैं लेके आया था। टिकट सर इस बार बंसीलाल परिवार में भी नहीं मिली है, करीब करीब 40 साल बाद ऐसा हो रहा है। श्रुति की टिकट भी कटी है, उनकी जगह रामदान सिंह को मौका मिला है। गुरुगांव में राज बब्बर का जो पेज था उसकी वजह से कैप्टन साहब की भी या किसी की भी अभी तो घोषित ही नहीं हुई। गुड़गांव में हो जाएगी, जब 8 होगी तो 9 में भी हो जाएगी। श्रुति चौधरी तो उनको तो नहीं मिली। आप जिनको मिली है उनके बारे में भी पूछो ना, जिनको मिली है कैसे उम्मीदवार है, जयप्रकाश कैसे उम्मीदवार है, चौथ साहब का परिवार, चौथ साहब खुद उनकी मदद करेंगे जयप्रकाश के हिसाब में? देखिए, मैंने अभी भी, आप शायद लेट आए हैं, मैंने ये कहा स्पष्ट तौर पे कि कोई प्रत्याशी कांग्रेस का मेरे से मदद मांगेगा मैं करूंगा, या कांग्रेस हाईकमांड मेरी कहीं ड्यूटी लगाएगी, मुझे प्रचार करने के लिए कोई कार्य सौंपेगी, वो मैं करूंगा, लेकिन बिना बुलाए मैं नहीं जाऊं किसी के यहाँ। ये भी सर कहा जा रहा है आकलन में कि पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष की ज्यादा चली है, बाकी लोग जो मीटिंग तो कर रहे थे, लेकिन अंतिम फैसला पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष की छाप ज्यादा नजर आती है। देखिए, बात यह है कि अब अंदर खाने क्या बात हुई, क्योंकि मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के लीडर ऑफ द अपोजिशन हरियाणा के, ये दो ही आदमी थे जो लगातार चुनावी जो टिकटों का वितरण था उसमें विभिन्न विभिन्न कमेटियों में अपनी बात कहते रहे, और कहीं ना कहीं रणदीप सुरजेवाला जी को और
कुमारी शैलजा जी को भी आमंत्रित किया, उन्होंने भी अपने विचार रखे, और हो सकता है कि विचारों की अपने अपने तरीके से बात कही होगी, तो ये प्रक्रिया लंबी भी चली। हालांकि 9 सीटों का फैसले करने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता।